तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं किशोर कुमार की समाधि पे, जहाँ पर उनकी स्मारक भी बनी हुई है। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या है उनकी स्मारक में। वो 2008 में रिन्यू हुआ था, तो उसकी डेट भी लिखी हुई है। यहाँ पे मुक्ति धाम भी है, वो भी सब यहाँ पर है। तो अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, तो हम जाके देखते हैं। अगर अलाउ होगा तो पूरा दिखाऊंगा आपको मैं। तो चलिए, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं किशोरदा की समाधि पे। यहाँ पर इनकी स्मारक बनी है। तो यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हो इनकी जो पुरानी फोटोज हैं, वो फोटोज यहाँ पे लगा के रखी हुई है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। और उसके बाद में ये मेमोरियल, इन्हीं की जन्मभूमि मतलब खंडवा शहर, जिसको किशोर कुमार के नगरी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर है। तो चलिए हम अंदर से देखते हैं कि अंदर से क्या है और इनके स्मारक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये उसका एंट्री गेट है और यहाँ से फिर हम अंदर चलेंगे। और यहाँ पे आपको चप्पल उतारनी है, जो भी आपने शूज़ पहने हैं तो वो उतार दीजिए यहाँ पे। अगर तो आप यहाँ पे शाम को आओगे तो ये सब चालू रहता है। अभी हम दिन में बना रहे हैं तो आप इसको नहीं देख पाओगे। तो आइए, तो हम एक एक करके हर चीज दिखाएंगे आपको। मान अंदर चलते, यहाँ पे म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट है जो फाउंटेन्स और लाइट से घिरा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ढोलक है म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ पे भी फाउंटेन्स लगा हुआ है। पानी नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद होगा शायद ये। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी फाउंटेन लगा हुआ है और लाइट्स लगी हुई है अलग अलग कलर की, जो कि रात को बहुत प्यारा लगता है। तो हम फाइनली अंदर आ चुके हैं किशोर कुमार के स्मारक जो है। अब यहाँ से आप ऊपर जाके देखोगे, तो आइए ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर आपको उनकी मूर्ति बनी हुई दिखेगी। तो यहाँ पे किशोरदा की मूर्ति को पत्थर में तराशा गया है, और जो कि उनका संगीत से ताल्लुक था, उन्होंने हर फील्ड में अपना अभिनय और सब कुछ दिखाया, अपना हुनर दिखाया है। तो जो तबला है, हारमोनियम है, इसे भी उन्हीं के साथ में पत्थर में तराशा गया है, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए हम इसका एक चक्कर लगा लेते हैं कि और क्या है इसमें। तो पीछे से तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो भी देखने के लिए आते हैं उनके लिए है, जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं या देखने के लिए आते हैं यहाँ पे इनके समाधि को, स्मारक को, तो ये उनके लिए स्पेस है जो कि काफ़ी है। और रात को ये बहुत ही प्यारा लगता है। इनकी मूर्ति के चारों तरफ आप लाइट लगी हुई देख सकते हो, जो कि रात को इनकी शोभा और बढ़ा देती है। आप रात को देखोगे तो रात को कुछ अलग ही नज़ारा दिखेगा यहाँ पे। तो हम चलते हैं यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर आके यहाँ से उतरने की जगह है, तो यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। तो इसी के नीचे एक मिनी थिएटर भी है, जहाँ पे 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और वहाँ पे किशोरदा की आप चीज़ें देख सकते हो। और म्यूज़ियम तो अभी तक बना नहीं है, म्यूज़ियम के लिए काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आई होप हम कोशिश भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि म्यूज़ियम जल्दी बन जाए, क्योंकि इतने साल हो गए अभी तक इनका म्यूज़ियम नहीं बना। मुझे लगा कि म्यूज़ियम बन गया होगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं किसका रास्ता कहाँ से। तो रास्ता तो यहाँ से है, बट यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, और इसकी चाबी तो अधिकारियों के पास रहती है, जो हमें मिले नहीं। तो अगर वो मिलेंगे तो शायद हम देख सकेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था है इधर और इधर साइड। इनकी समाधि उधर ही पीछे है, जहाँ पे मुक्ति धाम है, जहाँ पे सभी लोगों का अंतिम संस्कार होता है, तो वहीं पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। हम उसे भी जाके देखेंगे, थोड़ी दूर है, हमें यहाँ से बाहर से निकल के जाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले देख लेते, उधर चलते हैं पीछे से, हम पूरा राउंड लगा लेते और क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक गेट है,
मुझे लगता है कि एंट्री गेट होगा, एक एग्जिट गेट होगा, लेकिन अभी दोनों ही बंद है। तो चलिए, अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे सब कुछ बंद था, यहाँ पे कोई था नहीं। अभी सब कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, तो इसीलिए आपको इतनी चीज़ें नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन जब हम रात में आते हो, जब ये चालू होता है, तो यहाँ पे आपको फाउंटेन दिखते हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, और रात को नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। लाइटिंग जो है, लाइटिंग भी बहुत प्रॉपर बनी हुई है, लगी हुई है यहाँ पे। तो चलिए हम अभी समाधि की तरफ चलेंगे। ये हम मुक्ति धाम में आ गए हैं, यहाँ पे लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, और किशोर कुमार जी की समाधि भी यहीं पर आगे बनी हुई है। ये रही, तो हम आ चुके हैं किशोरदा की समाधि पे, जो कि यहाँ पे बनी हुई है। तो अभी हम अंदर जाके देख लेते हैं, अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं उनके। तो ये एंट्रेंस है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी फोटो स्मारक बनी हुई है, और यहाँ से अंदर जाने की एंट्री है, यहाँ पे उनकी समाधि है। तो यहाँ पे हम चप्पल जूते जो भी आपने पहने वो उतार देंगे, उसके बाद में यहाँ पे है समाधि। तो हम चलिए अंदर चलते हैं। और ये उनके जन्म की दिनांक लिखी हुई है, और जब वो गुजर चुके थे, जब उनका देहांत हुआ था, उसकी डेट लिखी हुई है, और ये उनकी समाधि है। तो ये है उनकी समाधि। उनके एक सॉन्ग की लाइन भी लिखी हुई है, उनके गाने की, और उनके फोटो। तो यार मैं शब्द, कुछ शब्द नहीं उनके लिए बोलने के लिए, थोड़ा सा इमोशनल हो गए हम। तो जहाँ पे भी आपने देखा है, उनके स्मारक पे हो या उनकी समाधि पे हो, जो उनके संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, सभी जगह उनका संगीत उनके साथ में, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और इसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार उनका जो म्यूज़ियम है, जो बनने का चल रहा है, अगर वो बन जाता तो और बहुत कुछ हमें देखने को मिलता। मुझे ऐसा लगा था कि उनका म्यूज़ियम बन चुका होगा, क्योंकि इतने साल हो चुके, लेकिन अभी तक उनका म्यूज़ियम बना नहीं है। और जब आप खुद जानते हो म्यूज़ियम बनता है, तो उसमें आप उनके बचपन से ले कर उनके देहांत तक, उनके स्वर्गवास होने तक, जितनी भी चीज़ें होती है या जितनी भी उनकी यादें हैं, वो सब उसमें रखी जाती है। तो मैं उस उम्मीद में आया था कि मुझे वो सब कुछ देखने को मिलेगा, आप सबको दिखाने को मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं देखने को मिला है। तो चलिए बाहर चलते पहले। तो हमने किशोरदा की समाधि देखी, स्मारक देखा, हमने सोचा था म्यूज़ियम भी होगा, लेकिन अफसोस वो नहीं है। तो हम दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जल्दी म्यूज़ियम भी बने। आप सब भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे म्यूज़ियम बने, हमें उनकी यादें संजोने का मौका मिले, देखने का मौका मिले। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।